वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिन हुज़िमतुल्लाह। हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ा रहे हैं और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जब मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया तो क्या देखा, एक आदमी की एक रकात फजर की छूट गई, वो पूरी करने लगा। हजरत उमर ने कहा इस आदमी का नाम नोट कर लो, एक रकात छूटी थी वो भी फजर की, हमें तो तौफीक ही नहीं होती है, और होती है तो सूरज निकलने के बाद या जोहर में कजा कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और आदत बना ली है। उस आदमी की एक रकात छूटी थी, एक मिली थी, एक छूट गई। हजरत उमर ने अपनी पुलिस से खुफिया सीआईडी से कहा इस आदमी का नाम नोट कर लो। उसने कहा नहीं नहीं बराबर आता था। कहा मैंने कहा नाम नोट करो, नाम नोट कर लिया। बाहर आए, कहा सुनो इस आदमी पर नजर रखना, हो सकता ये कल भी देर से आए और ये भी हो सकता कि परसों भी देर से आए, अगर ये तीन दिन देर से आया तो हम इसको वो सजा देंगे जो मुनाफिकों को सजा देते हैं, मुर्तद को सजा देते हैं, हम इसकी गर्दन काट देंगे। तीन दिन देर से आएगा गर्दन काट देंगे क्यों? कहा हमने अल्लाह के नबी से सुना है कि मुनाफिकों पर दो नमाजें बड़ी भारी गुजरती हैं, एक फजर की और एक ईशा की, ये फजर की और ईशा की नमाज बेसुस्ती करते हैं, अगर ये मुनाफिकत आज इसके दिल में आई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। सीआईडी वाला कहने लगा अमीरुल मोमिनीन पेशाब पायखाना दुनिया की बहुत सी जरूरतें हैं, हो सकता आज देर हो गई हो, बेचारे की आंख लग गई हो, ये बराबर आता है। कहते हैं अल्लाह करे कि वही हो जो तुम कह रहे हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आज ही इसके दिल में शैतान ने घर कर लिया हो और मुनाफिकत डाल दी हो। अगर मुनाफिकत डाली होगी तो कल भी देर से आएगा और परसों भी, अगर कल देर से नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा, और अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया तो मैं इसको इस दुनिया में जिंदा नहीं रखूंगा। हम और आप अपने गरीबानों में झांके कितने परसेंटेज मुसलमान लग रहे हैं, अब लड़ाई कर लो, तेरे घर में मेरी बेटी नहीं आएगी, मेरे घर में तेरी बेटी नहीं आएगी, वहाबी हो कि सुन्नी हो कि देवबंदी हो कि बरेलवी हो शिया हो, ये झगड़े आज हमने खड़े कर दिए। ये कोई नहीं पूछता कि नमाजी है, पांच वक्त की पढ़ता है, फजर में आता है कि नहीं आता है, अगर फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता है लगा तो हम अपनी बेटी की शादी नहीं करें, ये कोई सवाल नहीं करता है। सवाल ये है हाँ? कि चादर चढ़ाने की जाएगी कि नहीं जाएगी, कूंडे खाएगी कि नहीं खाएगी, शबरात का हलवा बनाने दोगे कि नहीं बनाने दोगे, ये सब सवाल करवा लो। और इससे फुर्सत मिली तो हीरो होंडा है, यामा है, सोने की जेवर है, ये सारे काम, ये सारी चीजें पूछवा लो, लेकिन ये मामला नहीं कि नमाजी है कि नहीं है, फजर की नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर कीजिए आप, हमारे यहां मामले क्या है, जबकि दीन निकाह में शर्त दीन रखी गई है, फसफर बिजात दीन, जिसने दीन वाली को तरजीह दी वो कामयाब हो। तो तीन चीजें हो गई।